अभी हम आबिद केसर महल शॉप पर आए हैं और ये भैया हमें भी बताएंगे केसर की पहचान और काफी कुछ है। यहाँ ये कावा टेस्ट कर रहे हैं, हाउ इज इट? नाइस, अच्छा। इसमें ये तीन तीन जो है ना रेड वाली, यही केसर असल में केसर है। ये जो बाकी है दूसरे मेडिसिन में काम आता है, इसे तरह तरह बनाते हैं। आपको जो बाहर मिलता है आपको ये वाला मिलता है, इसमें कलर डाला जाता है, इसी को भेजा जाता है केसर की जगह। लेकिन असल में केसर जो होता है ये वाला है, ये तीन पत्ती बस। जब हम केसर को सेपरेट करते हैं ना फ्लावर से, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है? ऐसे देखो, ये ऐसे होता है, ये देखो, एक फूल में बस इतना होता है, ये तीन पत्ती, ये इतना होता है फ्लावर में। ये जो है ये फ्लावर के टेल में होता है ये, तो फिर इसको हम यहाँ से काटते हैं। ये जो है ना ये पान वान में यूज होता है, या इसमें भी कलर डाला जाता है, इसको भी भेजा जाता है केसर की जगह। ये वाला असल में केसर होता है, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये केसर हम यूज करते हैं। घर में खीर बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, उसमें यूज होता है। वेज नॉन वेज फूड आइटम में ज्यादातर यूज होता है प्रेगनेंट वुमेन में, क्योंकि जो बच्चा होता है, जो आने वाला बच्चा, तो वो गोरा होता है, और जो प्रेगनेंसी में आयरन की कमी पड़ती है वो इससे दूर होता है, और जो ब्लड लेवल जो है वो इससे मेंटेन रहती है, और प्रेग्नेंट डिलीवरी के टाइम ये रेजिस्टेंस पैदा करती है। हमारी केसर का खुद का खेत है, हमारी केसर को 10 साल की गारंटी है, 10 साल तक इसको कुछ नहीं होगा। सिर्फ इसको फ्रिज में नहीं रखना ना, इसके साथ गीला हाथ लगाना है, इसको सिर्फ ड्राई प्लेस पर रखो, ये सालों तक रहेगा। लेकिन इसकी पहचान होनी चाहिए। पहचान क्या होती है? दो तिली उठाओ, आगे वाले दांतों से चबाओ, हल्का सा कड़वा आना चाहिए और कलर पीला आना चाहिए, खुद तो ही लाल कलर का है। टेस्ट करती हूं, बहुत बिटर है। इट शुड बी लिटिल बिट बेटर, पीला आया, ये पीला कलर देगा। अगर पानी में डालेंगे, दूध में डालेंगे, डिजॉल्व नहीं होना चाहिए ये, वैसा ही, लेकिन अपना कलर आहिस्ता आहिस्ता देगा। ओके, पूरा कलर, आपके दांत भी पीले हो जाए। हो गया पीला। ये तो लिपस्टिक के बंदे भी यूज होता है, दो तीन चबाना है, फिर थोड़ा जिप से, फिर होटो को मास हो जाएगा। क्या रेट चल रहा है भैया इसका? 300 रुपीस पर ग्राम। पर ग्राम? पर ग्राम, पर ग्राम, ये ग्राम के हिसाब से रिटेल रेट है, होलसेल रेट है? ये होलसेल रेट है। आपको केसर मिलेगा 50 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, लेकिन वो डुप्लीकेट घास होता है। ये हमें पता है केसर में कितना मेहनत लगता है, इसमें बराबर साल भर मेहनत लगती है, लेकिन जो सीजन होता है सिर्फ 15 दिन का होता है, 15 दिन में फ्लावर आता है बस, अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये फ्लावर आता है। Few moments later, आगे ये इसीलिए इसमें कालापन जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि इसे पूरा ऑयली होता है, इससे एक फैट कम होता है, जो बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी दूर होता है इसे, और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे नहीं नहीं, खा रहे हैं। टेस्ट आप बाहर, आप वहाँ पे खाते हो ड्राई फ्रूट्स? खाते हैं वो, और इसमें बहुत फर्क है, बहुत अंतर है इसमें। ये देखो, इसको बोलते हैं मामरा बादाम, कश्मीरी मामरा। ये देखो, मामरा मीन मेमोरी, ये मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका बड़ा साइज भी है, छोटा साइज भी है, लंबा साइज भी है, मोटा साइज भी है। दबाने तेल निकलेगा? हाँ हाँ, दबाने से नहीं, आपको मुंह से भी पता चलेगा इसमें तेल है कि नहीं। ये अलग है, जो आपको बाहर आता है वो कैलिफोर्निया, वो आपको पूरा ड्राई होता है, क्योंकि उसमें तेल वो एक्सट्रैक्ट है। ये ब्लैक बेरी, इसे खून साफ होता है, खून बढ़ता है, इसको ब्लड प्यूरीफायर बोलते हैं, हेमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये क्रैनबेरी, इसे यूरिन इन्फेक्शन दूर होता है, अगर किसी को किडनी में सूटन होता है, गॉल ब्लैडर में, उसमें वो दूर होता है इसे। ये ब्लैक किशमिश ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है। ये वाइट एप्रिकॉट, जर्दालो, खुबानी जिसको आप बोलते हैं, ये वाइट ब्लड सेल के लिए अच्छा होता है। ये किशमिश भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है। ये ब्लूबेरी ये कैल्शियम के लिए अच्छा था, हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है, अगर खुदा ना खास किसी को कैंसर होता है इससे बच जाता है। ये दो किस्म के, एक होता है ब्लूबेरी प्लम, एक होता है ड्राइड ब्लूबेरी। ये ड्राइड,